ये है मेरा GoPro Hero 10। तो मेरा मोटो ब्लॉगिंग सेटअप कुछ इस प्रकार का दिखाई दे रहा है। गाइस वेलकम टू माय चैनल द ओनली वन राइडर। मेरा नाम है सूरज और फाइनली मेरा GoPro Hero 10 आ चुका है। और GoPro के साथ मैंने और भी दो तीन एक्सेसरीज मंगाए हैं GoPro के लिए, हेलमेट माउंट वगैरह, वो मैं आप सबको दिखाऊंगा अभी क्या क्या मैंने मंगाया और GoPro के साथ क्या क्या आता है। GoPro कितने का मैंने लिया नहीं लिया मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, और उसके साथ मैंने जो एक्सेसरीज लिया वो मुझे कितने का पड़ा नहीं पड़ा मैं आपको सब वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो पूरा देखिए, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब कैमरा का अनबॉक्सिंग करते हैं। ये देखिए गाइस, ये है मेरा GoPro Hero 10 जिसके साथ मैंने एक हेलमेट माउंट भी ऑर्डर दिया है, और इसके साथ माइक एडेप्टर भी मैंने ऑर्डर दिया है, और एक हेलमेट के लिए जो माइक आता है हेलमेट के अंदर वो मैंने ऑर्डर दिया है मोनो का। तो अब करते हैं GoPro का अनबॉक्सिंग। GoPro को मैंने पहले ही अनबॉक्सिंग कर लिया हूँ घर पे ही, मैं इसको जब मेरे को डिलीवर हुआ था तब मैंने इसको चेक किया था GoPro को, तो यहाँ से मैं खोल के रखा था इसको। तो सबसे पहले इसको खोलने के बाद हमको ऐसा एक केस मिलता है GoPro का बैग, कितना हार्ड बॉडी का है, एकदम बढ़िया है। इसको खोलते हैं, तो खोलने के बाद कुछ ऐसा देखने को मिलता है। यहाँ पे आपका GoPro है, दो एक्स्ट्रा बैटरी है, यहाँ पर कुछ माउंट है, यहाँ पे क्लिप है, ये है GoPro का बैटरी का चार्जर। तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ आपको, ये है GoPro का ब्रांडिंग के साथ GoPro का बैटरी चार्जर। तो इसको साइड में रखते हैं, और उसके साथ हमको मिलता है दो बैटरी, सब पैकेज में आया था ये, तो पैकेट मैंने इसको खोल लिया। खोल के उसके बाद अभी मैं दिखा रहा हूँ मैं आपको, दो बैटरी आया इसके साथ, और एक ये हेलमेट के लिए माउंट आया है, और एक माउंट आया था इस टाइप का एक माउंट आया था जो मैंने अपने हेलमेट में लगा लिया, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये माउंट है, और एक ये GoPro का जो केस होता है उसके लिए उसका कवर है, ढक्कन है ऐसा। तो और इसके साथ मिलता है हमें एक स्क्रू, और अंदर मिलता है दो डाटा केबल, एक चार्जिंग के लिए है और एक GoPro के लिए है, दो बस। और बॉक्स में कुछ नहीं मिलता है, और यहाँ पे आता है मैनुअल, ये बुक है, यहाँ पे GoPro का तीन स्टिकर था जो मैंने यूज़ कर लिया अपने बाइक पे, ये ऐसे ही ये बुक है, बस इतना ही कुछ मिलता है आपको। और लास्ट में अपना मेन जो है वो है GoPro, ये है GoPro Hero 10 ब्लैक जिसमें मैंने टेम्पर ग्लास लगा लिया है, पीछे भी टेम्पर लगाया, सामने भी, फ्रंट में भी, दोनों टेम्पर ग्लास लगा लिया है। तो ये है GoPro। GoPro को खोलने के लिए यहाँ से खुलता है, इसको नीचे प्रेस कीजिए और ये ढक्कन खुल जाता है, जिसके साथ मेरे को सैनडिस्क का एक मेमोरी कार्ड भी मिला है। ये है 64 GB का A2 सैनडिस्क की तरफ से। तो मैं इसको लगा लेता हूँ और मैं आपको बैटरी लगा के दिखाता हूँ। तो ये है GoPro का बैटरी, ये मैंने ऐसे करके लगा लिया, और यहाँ से मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। तो ये GoPro ऑन हो चुका है, देख सकते हैं आप लोग। तो अभी थोड़ी देर में आपको GoPro का फुटेज भी मैं आपको दिखाऊंगा कि GoPro का कैसे फुटेज आता है। तो ये फ्रंट है और ये बैक साइड है। तो अभी GoPro को यहाँ पे रखते हैं, और इसके साथ मुझे जो जो मिला है एक्सेसरीज मैं वो दिखाता हूँ आपको। तो ये है GoPro का हेलमेट माउंट, और ये है माइक एडेप्टर, और ये है मोनो का माइक्रोफोन जो हेलमेट के अंदर लगेगा। तो सबसे पहले ये इसको खोलता हूँ। तो इसको खोलने के बाद ऐसा कुछ केस आता है GoPro के लिए, GoPro के लिए ऐसा कुछ केस आता है। यहाँ पर से इसको क्लिप है, इसको यहाँ से खुल जाएगा, ऊपर से भी है, ये यहाँ से खुल जाएगा, इसके अंदर GoPro जाएगा, और नीचे जो है GoPro का माइक एडेप्टर मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने सब कुछ पहले ही खोल के चेक कर लिया है, इसलिए अभी फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो बॉक्स को साइड में रख देते हैं। तो ये है GoPro का माइक एडेप्टर, इसके बिना GoPro में माइक नहीं लगता है। तो ये है GoPro का माइक के लिए जैक, और ये है चार्जिंग पॉइंट। तो यहाँ से इसको पहले ऐसे करके घुसाएंगे हम नीचे से, ये ऐसा आएगा, उसके बाद इसके ऊपर GoPro आएगा। तो GoPro इसके अंदर जाने के लिए ऐसा ही नहीं जाता है, उसके लिए पहले क्या करना पड़ता है, इसको जो कैप है इसको ऐसे खोलना पड़ेगा, और यहाँ से इसको धीरे से ऊपर की साइड करना पड़ेगा, तो ये अलग हो जाएगा। इसको साइड में रखते हैं, और ये बैटरी डाल के फिर
फिर उसके बाद इसको गोप्रो केस में ढालेंगे, यहाँ से लॉक कर देंगे और यहाँ से ये लॉक हो जाएगा। और नीचे जो दिख रहा है आपको, ये है माइक एडेप्टर के लिए जैक, ये इसके अंदर जाएगा इस तरह से। तो ये हो गया हमारा मोटो ब्लॉगिंग का सेटअप रेडी। अब यहाँ पर माइक जाएगा फिर रेडी। तो इसमें मैंने माइक एडेप्टर लगा दिया, अब मैं आपको माइक दिखाता हूँ। ये है मोनो का माइक जो मैंने ऑनलाइन से ऑर्डर दिया था। तो ये कितने का पड़ा मैं आपको लास्ट में बताता हूँ। तो इस तरह का बैग में आता है मोनो का माइक। तो खोलने के बाद मैंने ये भी खोल लिया है, चेक भी कर लिया मैंने। तो ये है माइक, ये है माइक और ये है इसका कन्वर्टर। तो इसको साइड में रखते हैं। बॉक्स में आपको बस और दो तीन मैनुअल पेज वेज स्टिकर ये सब मिलता है और कुछ नहीं मिलता। इसको साइड में रख देते हैं। तो ये है TRR जैक जो जिसमें ये कैमरा में लगता है, जिसमें इसमें दो पिन आता है। और ये जो है माइक, इसमें तीन पिन आता है। ये मोबाइल के लिए होता है और ये होता है कैमरा के लिए। उसके लिए हमको ये डायरेक्ट कैमरा में नहीं लगेगा, साउंड आपको आएगा नहीं। उसके लिए हमको ऐसा कन्वर्टर लेना पड़ता है दो पिन वाला जो कैमरा में लगता है। तो ये इसके साथ मिलता है आपको फ्री। तो इसमें आपको ये लास्ट में इसको ऐसे लगाना पड़ता है, उसके बाद आपको जो GoPro का माइक एडेप्टर है उसमें ऐसे करके आपको इसमें लगाना पड़ेगा। तो अब आप इससे रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो अब मैं आपको हेलमेट में कैसे माउंट करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये यहाँ पे मैंने इसके साथ जो माउंट आता था, मैंने आपको बताया कि GoPro के साथ एक माउंट आता है, तो ये वो माउंट रहता है। उसको मैंने MSeal के साथ अपने हेलमेट में लगा लिया। अगर आप MSeal के साथ नहीं लगाना चाहते तो एक माउंट आता है हेलमेट माउंट, तो इस तरह का माउंट आता है। ये आपको ऑनलाइन में मिल जाएगा या फिर ऑफलाइन में कहीं भी आपको शॉप में मिल जाएगा। तो ये इस तरफ से ये ऐसा लग जाता है और यहाँ से ये क्लिप के साथ ऐसे अंदर हो जाता है। तो यहाँ पे आप GoPro लगा सकते हैं अपना। तो मेरे को ये अच्छा नहीं लगता तो मैंने ऐसा लगा लिया MSeal के साथ। उसके बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ ये GoPro का जो केस है, केस के साथ मैंने GoPro को अंदर डाल दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हेलमेट में कैसे माउंट करना है। तो ये जो GoPro के साथ जो माउंट आया था, इसको मैं ऐसे करके इसमें लॉक कर लेता हूँ और इसको पुल कर लेता हूँ ताकि ये खुले ना। ये अभी मजबूत हो गया है और ये माउंट भी मजबूत हो गया है MSeal के साथ मैंने लगाया था। उसके बाद ऐसा एक माउंट आता है लंबा वाला, ये ऑनलाइन से मैंने परचेज़ किया था एक्स्ट्रा। तो इसको फिर ऐसे लगाना और इसके साथ जो लॉक आता है स्क्रू, इसको आप ऐसे लगा सकते हैं। लगाने के बाद उसके बाद ये GoPro लेके आप इसके ऊपर ऐसे लगाइए, फिर इसको आप ऐसे करके लॉक कर दीजिए। लॉक करने के बाद जो कुछ इस प्रकार का आपको दिखाई देगा GoPro आपका हेलमेट के साथ, एकदम नीट एंड क्लीन। और ये जो आप तार दिख रहा है, ये आप सोच रहे हो कि किसका तार है, इसके अंदर मैंने माइक लगा लिया है। आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर ये है मेरा अंदर जो मैंने दिखाया आपको माइक मोनो का, ये मैंने अंदर लगा लिया है। किस तरह से लगाया मैंने माइक को, मैंने यहाँ पे लगाया जो इसका जो वायर था, ये मेरा का जो पैड है ये मेरा रिमूव हो जाता है, खुल जाता है। इसको मैंने अंदर से जिसका इसका जो पूरा वायर था माइक का, तो इसका पूरा मैंने अंदर से सेलो टेप से चिपका के रख दिया पूरा घुमा घुमा के। उसके बाद माइक को मैंने यहाँ पे फिट किया ताकि बाहर का जो नॉइस है, हवा है, वो ना आ पाए, अच्छी तरह से फिक्स किया। उसके बाद यहाँ से मैंने इसको निकाला तार को और यहाँ से मैं इसको लगा सकता हूँ एडेप्टर में। तो मेरा मोटो ब्लॉगिंग सेटअप कुछ इस प्रकार का दिखाई दे रहा है। मैं अभी आपको बाइक चला के दिखाऊंगा, GoPro से वीडियोस में आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से आ रहा है GoPro का फुटेज। तो अभी मैं आपको बाइक चला के दिखा रहा हूँ कि कैसा आ रहा है वीडियो क्वालिटी, कैसा नहीं आ रहा है। अभी मैं 1080p 60fps पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो आप लोगों को दिख रहा ही होगा कि वीडियो क्वालिटी कैसा आ रहा है नहीं आ रहा है। तो मैं अभी चल रहा हूँ धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा। आई होप वीडियो क्वालिटी अच्छी आ रही होगी आपको और वीडियो भी देखने को अच्छा ही मिल रहा होगा। तो यहाँ से मैं घुमा लेता हूँ बाइक। तो मेरा एक प्रॉब्लम हो गया है, क्या
क्योंकि मेरा जो माइक का जो एडाप्टर है, वो एडाप्टर जो मैंने ऑर्डर किया था वो मेरा डैमेज निकल गया है सर। एडाप्टर से रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहा हूँ, तो अभी मैं रिकॉर्डिंग कैसे कर रहा हूँ, ऑडियो रिकॉर्डिंग मेरा जो मैं यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो, यहाँ पर एक मोबाइल लगाया हूँ मैं, और उसके साथ एक जैक के साथ मैं दूसरा माइक अटैच करके हेलमेट के अंदर घुसा के मैं मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, और वीडियो आपको जो मिल रहा है वो GoPro से मिल रहा है। तो वो रिप्लेसमेंट के लिए बात किया है GoPro के सर्विस सेंटर से, तो उन्होंने रिप्लेसमेंट कर दिया है, और तो मेरा प्रोडक्ट जो है वो कुछ दिनों के बाद मेरे पास आ जाएगा, अभी ऑन द वे है वो। तो जब आएगा तब मैं आपको दिखाऊंगा कि रिकॉर्डिंग ऑडियो रिकॉर्डिंग कैसा आता है GoPro में। अभी थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लीजिए। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरा GoPro और एडाप्टर और ये जो केस है ये मेरे को कितने का पड़ा है। तो ये है इसका बिल, ये है इसका बिल। इसमें मैं बता रहा हूँ आपको, GoPro जो है वो मेरे को पड़ा है 34,999 रुपीज़ का, जो है GoPro Hero 10। और उसके साथ जो माइक एडाप्टर मैंने लिया था वो 3,949 रुपीज़ का, और जो केस लिया था मैंने हेलमेट माउंट 1,199 रुपीज़ का। और इसके साथ मैंने जो मोनो का ये जो माइक लिया था, ये माउनो का जो माइक लिया था, ये मैंने अलग से अमेजोन से परचेज़ किया था, तो इसका जो प्राइस में 550 रुपीज़। और मैंने GoPro में जो वो टेम्पर ग्लास लगाया वो मेरे को पड़ा है 350 रुपीज़ का। तो आपको पता चल गया होगा कि कितना इन्वेस्ट मेरा हो चुका है। तो बस इतना ही था इस वीडियो में, जल्दी से जल्दी मेरा जो माइक एडाप्टर है वो मेरे पास आ जाए, तो और भी अच्छे अच्छे वीडियो आते रहेंगे। अभी मैं तो राइड में जाने वाला हूँ, जब मैं राइड में जाऊँगा तब वीडियो बनाऊँगा, आपको दिखाऊँगा। तो इस वीडियो में इतना ही था, तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी दिखाइए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।